विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। इस हमारी क्राइम टीम ने डीसीपी मधुकर स्वामी साहब और एडिशनल डीसीपी श्रीनिवासलु साहब, भोनगिर डीसीपी राजेश एंड लोकल डीसीपी पहाड़ी शरीफ, उन सब ने मिलकर, लेकिन इसमें जो अहम रोल अदा किया है वो क्राइम टीम ने किया है। ये लोग तकरीबन 1 महीने से इस केस पे काम कर रहे थे। ये पहली बार एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो ट्रांसफार्मर और कॉइल की थेफ्ट करता था, उसमें से है जो कॉपर वायर निकाल के फिर उसको जो बाकी एक्यूजन के साथ मिलके फर्नेस में मेल्ट करने के बाद ब्रिक बना के वो बाज़ार में बेच दिया करते थे। ये एक केस गैंग पकड़ने के बाद, जिसमें तकरीबन 7 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हम लोग पकड़ चुके हैं, बाकी 3 मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर पकड़े जाएंगे। इनमें से एक यूपी का है, एक उड़ीसा का है, बाकी भी है, एक दो लोग लोकल भी हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये लोग अभी तक तकरीबन 173 केसेस में इन्वॉल्व हैं। अभी तक 306 ट्रांसफार्मर्स को तोड़ के उनकी कॉपर चुरा चुके हैं। इस रिगार्डिंग में एक बात मुतालिक आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करने के बाद इनको 50,000 से लेके 1,00,000 तक की प्रॉपर्टी इनको मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का और पब्लिक का लाखों का नुकसान होता है। वो ट्रांसफार्मर का जब ये पहले इनका तरीका क्या था काम करने का, कि पहले ये वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो इसी प्रॉपर्टी से उन्होंने खरीदी थी उससे पल्सर बाइक से जाके ये रेकी करते थे, मतलब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते थे कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है और किस टाइम पे लोगों का आना जाना वहाँ पे कम रहता है। वो करने के बाद में 4 या 5 लोग वहाँ से जाते थे। एक आदमी की ड्यूटी होती थी कि वो जो उस तरफ आने वाला रास्ता है उसके वहाँ पर रह के खड़ा रहता था, और अगर कोई आ रहा है तो इत्तला कर देता था। उसके बाद ये लोग इस टूल को यूज़ करके पहले 2 वायर को टच करने के बाद में उसको फेंक के, 2 वायर टच होने के बाद में ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया से चली जाएगी, ट्रांसफार्मर अब पैसिव स्टेट में आ गया। उसके बाद इस टूल की मदद से, जो उन्होंने खुद बनाया, आप देखिए कोई मार्केट में मिलने वाला टूल नहीं है, तो इससे जो है वो ट्रांसफार्मर के बीच का जो कॉइल बॉक्स रहता है उसमें कॉइल रहती है और ऑयल होता है जो मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, उसको तोड़ने के बाद पूरे ऑयल को निकाल के और जो कॉइल आप देख रहे हैं उन कॉइल को लेके ये लोग मार्केट में बेचते थे और उससे इनको पैसा मिलता था। उससे इन्होंने एक गाड़ी वाड़ी खरीदी। तो इसमें एक अहम बात यह है, पहली बात तो कि इसमें 1 और 2 एक्यूज ऐसे हैं जो अभी तक कभी 173 केस में होने के बावजूद नहीं पकड़े गए। टोटल अभी तक जो जानकारी में आया है, इन्होंने 306 ट्रांसफार्मर इसी तरीके से बर्बाद किए हैं। अब आप सोचिए कि 300 ट्रांसफार्मर कभी फसल के टाइम पे, क्रॉपिंग के टाइम पे, जब उस वक्त फसल बोने का समय है, तो उससे आवाम को कितना नुकसान, खासतौर से हमारे फार्मर्स को कितना नुकसान हुआ होगा। इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी क्राइम टीम ने उस पर कायम करना शुरू किया, और ये एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस यानी 83 केसेस अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुए, और ये तकरीबन 4-5 जिले ऑब्लिक कमिश्नरेट से ताल्लुक़ रखते हुए केसेस हैं। इसमें राचाकुंटा के 60 केसेस हैं, साइबराबाद एरिया के जो अभी तक नज़र में आए हैं वो 7 केसेस हैं, 7 केसेस विकाराबाद ज़िले में ये लोग 68 केसेस में हैं, संगारेड्डी में 20 केसेस में हैं, सिद्दीपेट 8 और नालगोंडा 10। तो ये इस तरीके एक अहम गैंग, ये पहली बार है कि जब एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस एक साथ में डिटेक्ट हुए हैं और टोटल इन्वॉल्वमेंट इनका 173 केसेस में है। इसमें ये जो सहदेव था, इसकी खास ये थी कि इसको ये थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ मालूम था, बाकी लोगों से साथ मिला के फिर इन्होंने ये महेश रमना रेड्डी और जयश्री एक लेडी भी है उनको भी मिलाया। तो इन लोगों का काम ये था कि ये ऑफेंस कमिट करने के बाद में जो भी कॉपर वायर और कॉइल मिलती थी जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको ले जाके ये इन लोगों को देते थे, वो अपने फर्नेस में उसको गला के उसके ब्लॉक्स बना के मार्केट में बेच दिया करते थे। इनको 50,000-60,000-1,00,000 मिलता था, लेकिन पब्लिक का बहुत नुकसान होता था।
तो ये एक बहुत अहम काम, बहुत एक जो आवाम के लिए और ख़ास तौर से हमारे फार्मर्स के लिए एक अच्छा काम क्राइम टीम ने किया है। मैं उसको क्राइम टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनका एक अच्छा रिवार्ड हम लोग 9 तारीख को रिवार्ड मेला करने जा रहे हैं, उस पर किया जाएगा। और इसी तरीके से जो भी आवाम को या गवर्नमेंट को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उस पर ख़ास तौर से अहम नज़र रखते हुए हम आने वाले समय में भी करते रहेंगे। कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ केस दर्ज भी हैं, कुछ ऐसी थी जो जानकारी में नहीं आई थी, वो हम नए केस दर्ज कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, ये लोग तकरीबन 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से ये गैंग नहीं पकड़ा गया था। और इसमें से जैसा मैंने बताया कि 1 और 2 एक्यूज तो ऐसे थे कि 306 ट्रांसफार्मर करने के बाद भी आज तक एक बार भी अरेस्ट नहीं हुए थे। और इसलिए इसको, और मुझे लगा कि ये इस तरीके के जो अहम चीज़ें हैं